इसलिए सब कुछ कर ठाकुर जी के लिए करो, बस ये हो गया और क्या। इतनी भक्ति और भक्ति कुछ नहीं है, हर चीज को भगवान को साथ में जोड़ना, किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज ठाकुर के साथ में जोड़ दो, बस यही, इतना भक्ति और कुछ भक्ति नहीं है। और एक काम करनी चाहिए, बोले भगवान के नाम को जप करनी चाहिए, ठाकुर जी की बोले एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा, भगवान की नाम को हमें जप करनी चाहिए। इसलिए बोले जैसे 7 दिन तक आप कथा सुने, ठीक है ना, इसलिए कुछ जोड़ो और कुछ छोड़ो, कुछ जोड़ो और कुछ छोड़ो। बोले छोड़ेंगे क्या, बोले गंदी चीज को छोड़ दो। बोले जोड़ेंगे क्या, बोले प्रभु का भक्ति को जोड़ लो, भक्ति को भक्ति जोड़ो और गंदी चीज को छोड़ो, बस इतना ही करो। बोले भैया गंदी चीज क्या है, बोले भागवत में 4 चीज को गंदी चीज बताई, परीक्षित महाराज ने कली को 4 जगह पर स्थान दे दिया है। जैसे आपको कोई बीमारी, कोई अच्छे डॉक्टर को पास में जाओ, वो सचमुच से आपको बीमारी को सही करना चाहता है, वो बोलेगा देखो दवा तो बहुत अच्छा दे रहा हूँ, लेकिन अगर परहेज का साथ में दवा लोगे ना, तुम्हारी बीमारी बड़ी जल्दी जल्दी सही हो जाएगी। अगर बगैर परहेज को दवा लोगे, जिंदगी भर दवा तो खाओगे लेकिन बीमारी सही नहीं होगी। बोले कलयुग में दवा क्या है, बोले ठाकुर का नाम ही यही दवा है कलयुग में। बोले इसका परहेज क्या है, बोले इसका 4 परहेज करनी चाहिए। पहला नंबर है अधर्म का पहला स्थान है कदी ये सत्य है। बोले ये सत्य कैसे नष्ट होता है, बोले इसको जुआ खेलने पर ये सत्य नष्ट हो जाता है, इसलिए हमें कभी जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज धर्म स्वरूप, बोले देखो भैया मैंने जुआ खेल करके मेरे कितने सत्यानाश हो गए, पहले राज्य गया, भाइयों को भी खोया, पत्नी को भी हमने खोए, भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरण देखना पड़ा, फिर विराट राज्य में जाकर के नौकर बनना पड़ा, कितना कष्ट हमें उठाना पड़ा जुआ खेल करके। इसलिए खबरदार कभी जुआ में कोई हाथ मत लगाएगा है, जुआ में कभी हाथ नहीं लगाने चाहिए, तो सब कुछ चली जाएगी। दूसरा नंबर है पानम, पानम मतलब होता है किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु को मत लिया करो, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, ये सब नस्ली वस्तु है, ये नस्ली वस्तु को मत लिया करो। मैंने पहले बताया था ना, जो शराब पीते हैं उनका 3 लाभ है, कितना लाभ है बताओ, शराब पीने वालों का कितना लाभ है बताओ, क्या क्या लाभ है, किसको याद है बोलो तो, बोलो किसको याद है, बोलो कि क्या क्या लाभ है, बोलो कोई बोल नहीं रहे। पहला लाभ क्या है, पहला लाभ वो बूढ़ा नहीं बनेगा, दूसरा लाभ घर में चोरी नहीं होगी, और तीसरा लाभ क्या, बोले कुत्ते उसकी दोस्त बनेंगे। इसलिए पहला लाभ किया घर में चोरी नहीं होगी, बोले भैया घर में चोरी कब होगा, चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो तो बेच बाच करके जो रहेगा पी पा कर खत्म कर देगा, पर चोरी कहां से होगी। दूसरा लाभ किया, बोले बूढ़ा नहीं बनेगा, बोले बूढ़ा कब बनेगा, जिंदा हो तभी तो बूढ़ा रहेगा बनेगा, वो तो पी पा करके आधा उम्र भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं रसिया प्रचार करने के लिए जाता हूँ, वहां देखता हूँ लड़की लड़कियां, लड़की ज्यादा लड़की लड़कियां, बूढ़े आदमी तो सहज में नहीं दिखता है। मैंने पूछा भैया रसिया में बूढ़े कहाँ गए और इतना लड़की क्यों है, बोले यहाँ पर बचपन से ये शराब पीना शुरू करते हैं और शराब पी पी कर करके उसका जो आंत है वो सबके सब गल जाती है, हैं? इसे वो आधा उम्र में खत्म हो जाती है और ये शराब पीने पर नपुंसकत्व प्राप्त करते हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा लड़के नहीं ज्यादा लड़की लड़कियां होता है। मैंने कल पहले बता रहे थे ना, एक माताजी मेरे पास में 30 साल की माताजी, माला लेने के लिए, मैंने देख करके पता चल गया ये विधवा। मैंने कहा पति कहाँ गए, बोले पति शरीर छोड़ दिया, बोले कैसे, बोले उनके सारे लीवर खत्म हो गया था, उनका हार्ट खराब हो गया था, बोले कैसे इतने कम उम्र में कैसे, बोले वो पीते थे, वो पीते थे। इसलिए अब जिस घर में पति पीना शुरू कर दे, जिस घर में पति, फिर घर थोड़ी सही रहेगा थोड़ी। देखो मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में एक पर्थ है, एक जगह का नाम सुनेंगे पर्थ है, उसमें 2 पति पत्नी और उनको 2 बेटा है, उसका जो छोटा बेटा माँ को फॉलो करती है और बड़ा बेटा फॉलो करता है पिता को, लेकिन माँ भक्ति करती है, हमारे बड़े गुरु जी की शिष्या है, वो भजन करती है,
माँ उसको समझाती रहती पति को ये मत पिया करो, लेकिन वो मानता नहीं। लेकिन उसका दो बच्चे हैं, बड़ा बेटा पिता को फॉलो करता है, और पिता पहला गुरु तो पिता माता, पिता भी पिता है, बेटा भी पीना शुरू कर दिया। जब बेटा पीना शुरू कर दिया, पिता जब घर में आते हैं डोल डोल करके हैं, नशा में आते हैं, घर में उल्टा पुल्टा बकते हैं, धीरे धीरे उसको देख करके बड़ा बेटा भी पीना शुरू कर दिया। अभी दोनों जब पीने करके घर में आए, पिता तो बड़ी गड़बड़ी में पड़ गए। पिता कैसे बोलेगा तू मत पिया करो, खुद पिता है, वो कैसे बोलेगा मत पिया करो। घर नहीं शमशान हो गया उसका घर, वो था गुजरात के बिजनेस में आ गए। उसने देखा भैया मेरी पत्नी सही बोलती थी, उसका छोटा बेटा मैया को फॉलो करती है, वो भजन हरिनाम करती है, माता भी हरिनाम करती है। अभी वो समझ गया भैया मैंने गलत रास्ता पर किया। फिर अपने आप को उसने सुधारा, सुधार करके किसी तरह से बेटे को किस तरह सुधार लिया, किसी तरह से बेटे को उसने सुधार लिया। इसलिए लेकिन दुनिया अभी ऐसे हो गया ना, कोई शादी करो बच्चे का बर्थडे कराओ, अगर उनको पिलाया नहीं ना, बोले ये कौन सा शादी है, तुमने शराब नहीं पिलाया, तुमने मांस नहीं खिलाया। देखो संतों का कहना है, जैसे बच्चे का बर्थडे में वो संत कहते थे भैया जिस बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने बोतल तुड़वाया और इतने जानवर को तुमने खिलाया, वो बच्चे का कभी कल्याण होगा। वो कहते थे अगर 100 साल होगा ना झट 50 साल में उतर कर खा जाएगा, क्योंकि जिस बच्चे को देश में तुमने इतने बोतल तुड़वाया और इतने जानवर को तुमने मरवाया, बच्चे का कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए इस सब चीज से दूर रहो, ठीक है ना, इस सब चीज से दूर रहो। भक्तों को संग में अगर मिलते जुलते रहोगे ना, फिर धीरे धीरे तुम्हारे बच्चे भी अच्छे बनेंगे, तुम्हारी बच्चे भी गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे। अगर भक्ति में नहीं जुड़ोगे ना, हम उसी दिन कह रहा था ना, बच्चे कहते ना बुढ़ापा में बच्चे का बच्चा क्या होता है, बुढ़ापा में लाठी बनता है, बोले लाठी नहीं सर पर लाठी पड़ेगी, वो तुम्हारे हाथ की लाठी नहीं सर के ऊपर वो लाठी पड़ेगी। अगर बच्चे को बचपन में नहीं सुधारोगे तो भजन करोगे तो तभी बच्चा सुधरेगा, नहीं तो बच्चा कभी सुधर नहीं सकता। पहले पिता माता पहला गुरु, अगर आप माला करोगे हरिनाम करोगे भक्ति करोगे, बच्चों को भी बता सको तो बेटा तुम भी एक माला करो। अगर मैया खुद माला नहीं करती है, पिता खुद माला नहीं करती है, बच्चे को कभी बोल नहीं सकता तू एक माला करो, नहीं तो थोड़ी भक्तों का संग करो, नहीं बोल सकता, ठीक है ना। इसलिए जीवन में नशीली वस्तु हमें नहीं लेनी चाहिए, एक ही नशा हो प्रभु के प्रेम, प्रभु की भक्ति ही एक नशा जीवन में, ये नशा को जीवन में उतारनी चाहिए, ठीक है ना। और जो तीसरा चीज है अधर्म की, कहते स्त्रियों में अधर्म का निवास है, बोले कौन सा स्त्रियों में, कहते जो अवैध रूप में जो पुरुष स्त्रियों में और स्त्रियां जो पुरुष से मिलते हैं, संसार करो शादी सुधा करके अपना धर्म पत्नी को साथ में घर गृहस्थी बैठा, ऐसे नहीं शादी नहीं किया बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहे हो, नहीं, शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करते, उसको बहुत बड़ा पाप मानी गई है, उसको बहुत बड़ा पापी मानी गई। इसलिए संसार करो पति पत्नी शादी करके धर्म को साथ में करो, नहीं तो पवित्रता नष्ट हो जाएगी। जो चौथा चीज जीव हिंसा, जीव हिंसा में बताए जैसे मांस है मछली है अंडा और प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। हाँ और एक चीज को समझो, कुछ कुछ लोगों का धारणा है भैया अगर मछली नहीं खाएंगे शरीर कमजोर नहीं हो जाएगा, अगर मांस नहीं खाएंगे हम तो काम करना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है, हमें शरीर कमजोरी नहीं हो जाएगी हमारी। देखो हम कुछ चीज समझाते हैं, अच्छे तरह समझो, खुद समझो, अगर आप अच्छे तरह से समझोगे ना आप दूसरों को भी अच्छे तरह से समझा सकते हो। अच्छे तरह से चीज को समझो, एक तरफ में वेजिटेरियन दूसरे तरफ में नन वेज, जैसे नन वेज कुत्ता एक नन वेज है मांस खाता है, देखना जब कुत्ता थोड़ी सी भागता है ना, देखना कुत्ता सोया हुआ देखा हफ्ता हुआ देखो, आप डिस्कवरी खोल करके देखना, जैसे शेर और बाघ ये मांस खाते हैं, जब एक बार मांस खाते हैं देखना 4-5 दिन तक लेटा रहता है, बोले क्यों, बोले उसको हजम करने के लिए उसको लेटा रहता है, हैं 4-5 दिन तक लेटा रहेगा। और शेर देखना इसे पंजा करके बैठा हुआ गा, कभी चिड़िया खाना देखना हर समय उसको हाँफते हुए देखोगे, ये सबके सब नॉन वेज, अभी भेज देखो वेजिटेरियन देखो, आप बताओ एक घोड़ा क्या खाता है,
घास खाता है, छोला खाता है, लेकिन जब हम किसी मशीनी को साथ में उदाहरण देते हैं, कितने हर्ष पावर, कितने हर्ष, किसको साथ में उदाहरण देते हैं? लायन पायर पावर ना टाइगर पावर ना डग पावर ना हर्ष पावर, किसको साथ में उदाहरण देते हैं? कितने हर्ष पावर। रेस किसकी होती है? घोड़े की रेस होते हैं। अब वृंदावन में गए हो, कौन कौन वृंदावन गए, वहां देखना घोड़ा गाड़ी, दस दस पंद्रह पंद्रह व्यक्ति को बैठा करके घोड़ा गाड़ी में खींच करके ले जाता है। आप लोग केदारनाथ बद्रीनाथ गए हो, देखना कैसे घोड़ा कैसे पीठ के ऊपर में, इंसान यहाँ चढ़ नहीं सकता है, वहां पर बैठा करके भगा कर ले जाता है। एक हाथी क्या खाता है? वो भी पेड़ पौधा खाता है। हाथी जैसे इतना बलवान कोई दुनिया में, इतने शक्तिवान कोई है हाथी जैसे? कोई नहीं दुनिया में, इतना बड़ा शरीर बलवान। एक बैल क्या खाता है? वो भी घास खाता है। खेती में कौन काम करता है? बैल काम दिन भर देखना खेती करता रहता है। एक गधा क्या खाता है? घास खाता है। हम कहते हैं ना तू गधे जैसे काम करते हो दिन भर, इसलिए यहाँ पर दिखाया उनको शरीर में उतना शक्ति जो वेजिटेरियन नॉन वेज में नहीं। राजस्थान में, राजस्थान का लोग देखना 80-80, 90-90, 100-100 साल में खेती काम करते हुए आप देखना, सबसे लंबे चौड़े देखोगे राजस्थान लोगों को, वो पूरा का पूरा वेजिटेरियन सकते सब, ये वेजिटेरियन। लेकिन जहाँ पर नॉन वेज खाते हैं ना जो बंगला उड़जा में, वो 60-70 साल में बूढ़ा होकर खत्म, राम नाम सत्य हो जाते हैं। कारण क्या? बोले कारण है हमारा ये जो शरीर है ये भेज है, नॉन वेज नहीं। देखो कैसे है, कहते जितने नॉन वेज जितने मांस खाने वाले जैसे कुत्ते बाघ, इनकी जो नाली जो हजम नाली है आंत है 2 मीटर है, लेकिन हमारे हमारी आंत 6 मीटर है। इसलिए हमारी जितने हजम शक्ति कुत्ते शेर बाघ का 10 गुण हजम शक्ति, इसलिए वो कच्चा मांस खा करके उसको हजम कर देते हैं। हम इतने टुकड़े कच्चा मांस खा सकते हो बताओ? खा सकते हो? नहीं खा सकते। वो पकड़े खून समेत खा लिया, क्यों? उसका वो भोजन है, लेकिन वो हमारी भोजन है नहीं, इसलिए हम क्या करते ला करके मसला दे करके उसको पक्का पका करके पता नहीं कैसे कैसे खाना पड़ता है उसको, कैसे कैसे फिर पेट में 40 घंटा लेता है फिर हजम करने के लिए, फिर 40 घंटा लेता है। वो हमारी भोजन नहीं है, वो भोजन जानवर की भोजन। देखो भगवान शरीर कैसे बनाया, जैसे कुत्ते का बाघ का शेर बिल्ली इनका दांत कैसे हैं बताओ? नुकीले नुकीले। वो मांस खाएंगे इसलिए ठाकुर पहले नुकीले नुकीले बनाए, लेकिन हमारे दांत कैसे? एक गधा का दांत कैसे, एक ऊंट का दांत कैसे, एक बैल का दांत, देखो हमारे जैसे दांत है, हमारे जैसे दांत ना। क्यों भगवान इनको वेजिटेरियन बनाया, दांत बनाया वैसे। देखो जितने नन भेज जैसे कुत्ते बिल्ली, रात में देखना आंख जलते हुए देखो, आंख जलता है, लेकिन जितने मैंने वेजिटेरियन नाम लिया उनका रात में आंख नहीं जलती है इनकी। जितने नन भेज जितने कुत्ते बिल्ली बाघ पानी कैसे पीते हैं देखना, जीव में चाट चाट कर खाएंगे, लेकिन जितने वेजिटेरियन देखो कैसे पानी पीते, चाट चाट करके नहीं मुंह से पानी पीते हैं। इसलिए भगवान हमारी जो शरीर है ना वो नन भेज नहीं बनाया, ये वेजिटेरियन बनाया, लेकिन हम क्या करते हैं जोर जबरदस्ती वो चीज को खा रहे हैं, इसलिए इसका नाम है मांस। क्या नाम है? मांस। संस्कृत पढ़े हो? कौन कौन संस्कृत पढ़े हो? हाथ उठा दो कौन थोड़ी बहुत संस्कृत जानते हो। मांस मतलब क्या? मांग मतलब मुझको, सह मतलब वह, मतलब अभी तू जिसको खा रहे हो तेरे को जो बाद में खाएगा। इसलिए अंग्रेजी में मांस को क्या कहते हैं? मीट। क्या कहते हैं? मीट। मीट मतलब मी ईट, मी ईट, मी मतलब मुझको, ईट मतलब खाना, जिसको तुम खा रहे हो बाद में तेरे को जो खाएगा, इसलिए उसका शब्द ऐसे है। इसलिए भागवत में कथा आती है एक सूरत राजा थे, वो क्या करते थे यज्ञ में पशु बलि देते थे। एक दिन नारद जी से मिले, नारद जी ने कहा भैया तू क्या कर रहे हो? बोले यज्ञ में पशु बलि दे रहा हूँ। बोले इसका फल क्या जानते हो? बोले क्या फल है? बोले तेरे को भी दिखाता हूँ। नारद जी कमंडल से पानी लिए और इनको सर के ऊपर छिड़काव कर दिया, शरीर तो छूट गया। देखा जमदूत पकड़ करके ले जा रहे हैं और जितनी जानवर उसने मारा था सब लाइन करके खड़े और तलवार लेकर के खड़े हुए। बोले भैया तुम लोग कौन हो? बोले याद है पहले जन्म में हमें तुम खाया था, याद है? इधर आ जा तेरे प्रतिशोध लेंगे। क्यों? बोले पाप अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है, उसको शरीर को टुकड़े टुकड़े कर काट रहे थे, चीख रहा था
छोड़ दो। तुम भी जब हमें मार रहा था ना, हम भी बोल रहे थे छोड़ दो। तुमने छोड़ा था? बोले पाप अपना बाप को नहीं छोड़ता है, कर्म फल किसी को नहीं छोड़ता है। जब कोई दुख कष्ट आए ना, हम बिलबिलाते हैं, भैया हमने कुछ नहीं किया, हमारे साथ में ऐसे क्यों हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया। भैया जरूर कुछ किया है तुमने, जरूर कुछ तुमने किए हो, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करना मांस मछली को छोड़ करके शुद्ध रूप में भजन करें। अब लोग देखो पैसा तरफ में देखो, अब बताओ तो एक किलो मांस का कीमत कितना है? अगर बकरी फकरी हिरण फिरण लोग ना 400, 500, 600, 1000 तक भी एक एक किलो मांस का कीमत है। 500, 600 रुपया, 700 रुपया एक मांस किलो है। उसमें फिर मसाला डालो, एक टाइम लाओ, एक टाइम में खाकर खत्म, और एक टाइम खाकर खत्म हो गया, 600, 700, 1000 रुपया गया। अब 1000 रुपया का साग सब्जी लेकर के आओ, बताओ कितना दिन खाओगे? 1000 रुपया की सब्जी लाओगे तो कितना दिन खाओगे? कम से कम घर में 10 दिन जाएगी, 10 दिन जाएगी ना। पैसा भी तुम्हारी बच गया, पाप भी नहीं हुआ, शरीर भी हेल्थ भी सही रहेगा। अब हॉस्पिटल में जाकर के देखना, ज्यादातर कौन लोग ज्यादा वहां पर जाकर देखना। मैं बेंगलोर गया था, वहां पर कभी हॉस्पिटल में देखा ज्यादा से ज्यादा जो मांस खाने वाले लोग ना, सारे के सारे वहीं पर है, क्योंकि शरीर वेजिटेरियन है, वो आसानी से पेट में हजम होती है। मांस हमारी आहार नहीं, और उसको खाने से जितनी तरह का बीमारी, डॉक्टर बोल रहा था भैया मांस और मत खाया करो, खाओगे तो जिंदा नहीं रहोगे, मर जाओगे, फिर तो प्राण तुम्हारी छूट जाएगी और रहेगा नहीं, जो खा लिया। अभी तो वेजिटेरियन, इसलिए अभी पृथ्वी में अभी कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग वेजिटेरियन बने, ज्यादा से ज्यादा लोग वेजिटेरियन बने, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करना सबके सब वेजिटेरियन बनने की। और देखो हम कहते हैं ना, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, तो इतना चीज अतर समझो, जैसे खाएगा अन्न वैसे बनेगा मन। देखो बिल्ली का स्वभाव देखो, कुत्ते का स्वभाव देखो, शेर का स्वभाव देखो, और बाघ का स्वभाव देखो। मांस खाते हैं ना, कैसे स्वभाव बताओ, कैसे हिंस स्वभाव, काटना खाना इनका स्वभाव है। लेकिन आप एक घोड़ा का स्वभाव देखो, एक बैल का स्वभाव देखो, एक गधे का स्वभाव देखो, कैसे स्वभाव है ये सबके सब। एक बकरी का स्वभाव देखो, ये वेजिटेरियन सबके सब, इनके स्वभाव देखो कितने शांत स्वभाव है। क्योंकि जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे खाओगे ना मन भी उस तरह भगेगा। इसलिए अगर अच्छा खाना खाओगे स्वभाव तुम्हारी अच्छी बनेगी, ठीक है ना। इसलिए सबके सब कोशिश करना वेजिटेरियन बनने के लिए, और भगवान को भोग लगा करके खाना खाओ, ठीक है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे। और एक बार जोर से करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कभी ये चार चीज को छोड़ो, बोले चार चीज को जोड़ो, बोले चार चीज क्या जोड़ेंगे, बोले एकादशी व्रत रखनी चाहिए। कल तो आप लोगों ने सब एकादशी व्रत रखे हो, बहुत अच्छी बात है। मैंने एकादशी के बारे में बहुत बात बताते और नहीं बताऊंगा। दूसरी चीज है, हर घर में ठाकुर की पूजा होनी चाहिए। आप घर में ठाकुर जी है कि नहीं? घर में किसको किसको घर में ठाकुर जी मंदिर है? हाँ, करके आप सबके घर में ठाकुर जी की मंदिर है। देखो ठाकुर जी को अच्छे तरह से, ठाकुर को पूजा सेवा करना, ठीक है ना। एक उदाहरण दिया, देखो जैसे आप अपना शरीर को अच्छे तरह से सजाओ, सजा करके किसी मिरार को सामने, किसी मिरार को सामने दर्पण को सामने खड़े हो जाओ, आईना को सामने खड़े हो जाओ, देखना ये शरीर को जैसे सजाओगे जो परछाई पड़ेगी वो परछाई भी वैसे सज जाएगी। परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, लेकिन ये शरीर को सजाओ परछाई भी वैसे बन जाएगी। बोले मतलब क्या है? बोले मूल भगवान है, जिस घर में ठाकुर को सेवा जितनी अच्छी तरह से होगी, ठाकुर को पूजा सेवा आप जितनी अच्छी तरह से करोगे, देखना तुम्हारी घर भी उतना सुंदर सज जाएगी, घर भी में शांति सुख रहेगी। क्यों? आप ठाकुर को सेवा पूजा कर रहे हो, करते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रही है, और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अगर आप ठाकुर को सेवा करोगे तभी तो आपकी ठाकुर की
अच्छे तरह से रखेंगे। देखो एक छोटी सी कथा हर चाल सुनाता हूँ। बोले अयोध्या में कोई एक राम भक्त था, उनका राम दरबार था। उनका एक छोटा शिष्य था जिसका नाम था राम का, छोटा बालक है, वो भी ठाकुर का सेवा करता था। एक दिन गुरु जी ने कहा, रामदास मेरे को कुछ दिन के लिए बाहर किसी विशेष काम के लिए जाना पड़ेगा, तू ठाकुर का सेवा पूजा कर लोगे? बोले गुरु जी अगर आपका आदेश हो क्यों नहीं करूंगा। बोले देख बेटा ठाकुर को ठीक से खिलाना प्रेम से। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो, ठाकुर को मैं सेवा करूंगा। अभी गुरु जी चले गए, इसने भिक्षा लाया, रोटी सब्जी बनाई और ठाकुर को सामने धर दिया। लेकिन वो छोटा बच्चा था, वो सोचता था जैसे हम बैठ करके खाना खाते हैं ना, ठाकुर भी ऐसे खाना खाएंगे। उनने जब ठाकुर को सामने प्लेट को धर दिए, बोले ठाकुर जी पीढ़ा रख दिए, बोले ठाकुर आओ बैठो खाना खाओ। लेकिन देखा भगवान राम उतर नहीं रहे, खाना ही नहीं खा रहे। वो छोटा बच्चा था, वो देखा नहीं गुरु जी कैसे सेवा करते हैं, वो तो सोच रहा था जैसे हम बैठ करके खाते हैं ठाकुर भी खाएंगे। इतने में कहा, ठाकुर जी आप क्या मेरे से नाराज हो? रोज तो गुरु जी के हाथों से आप खाना खाते थे, अब मेरे हाथों से क्यों खाना नहीं खा रहे हो? ठाकुर जी आओ, नहीं तो गुरु जी बोले अच्छे तरह से ठाकुर को सेवा करना। लेकिन तब भी ठाकुर जी नीचे उतर नहीं रहे। बोले अगर आप खाना नहीं खाओगे ना ठाकुर जी नाराज होंगे। देखो इस सामने अयोध्या आप गए होंगे, वहां पर सरजू नदी है। बोले ये सरजू नदी में मैं प्राण त्याग दे दूंगा अगर नहीं खाओगे, गुरु जी नाराज होंगे। इतने में उस सरजू में आत्महत्या करने के लिए गए। गुरु जी बोले अच्छे तरह से सेवा कर, ठाकुर खा ही नहीं रहे। इतने में ठाकुर जो राम थे ना, हिल गए ठाकुर जी। उसकी भक्ति भावना को देखकर, छोटा बच्चा है ना, मन सरल है। भगवान हनुमान जी को बोले, हनुमान जी जल्दी जल्दी जाओ उसको पकड़ करके ले आओ। वो छलांग लगाने वाला था, इतने में हनुमान जी पीछे पकड़ लिए। बोले ठाकुर जी भोजन कर रहे, चलो। बोले भोजन कर रहे? बोले हाँ। देखा सचमुच से ठाकुर जी बैठे करके भोजन कर रहे थे। अभी दो चार दिन ठाकुर को सेवा किया। पहले तो जाओ घर घर में भिक्षा लाओ, लकड़ी लाओ, चूल्हा जलाओ, खाना बनाओ, पत्तल लाओ। अभी दो चार दिन सेवा करके ना, बोले ठाकुर जी मेरे से और इतना नहीं हो पा रहा है, अकेला मैं कितना काम करूंगा? ठाकुर जी बोले बताओ ना, हम लोग भी तेरे को मदद करेंगे, बताओ मेरे को क्या करना। बोले आप तो घर की पिता हो, आप थोड़ी सी पत्ता जोड़ा बना देना। बोले ठीक है बेटा। हनुमान जी बोले बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा? बोले आपका काम अच्छे तरह से सब्जी को रखवाली करना। बोले ठीक है। लक्ष्मण बोले मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले आप जंगल से थोड़ा सूखी लकड़ी ले आना। बोले भैया जिंदगी भर कहीं काम है नहीं, आप वनवास देखे होंगे ना, लक्ष्मण क्या करते थे? सूखी लकड़ी लाते थे। बोले भैया यही काम मैं करता था। अभी लक्ष्मी सीता बोली मेरे को क्या काम? बोले आप तो घर की माँ हो, माँ तो खाना बनाती, अब खाना बना देना। बोले बेटा काम तो मेरा यही है। अभी ये केवल भिक्षा लेकर के आता है और केवल माँ लक्ष्मी सुंदर सुंदर रोज भोजन बनाती है। अभी गुरु जी का पत्र आया, बोले बेटा रामदास अमुक तारीख को मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ में कुछ संत आएंगे, एक टाइम के लिए तुम भोजन रख की व्यवस्था कर देना, फिर आकर के मैं देख लूंगा। इतने में मैया को बोले माता जी गुरु जी का लेटर आया है, गुरु जी अमुक तारीख को आ रहे हैं, साथ में कुछ संत आ रहे हैं, बोले एक टाइम के लिए देखने के लिए। बोले बेटा चिंता मत करो, ज्यादा भिक्षा करके ले आना, मैं बना दूंगी। उसने पत्र लिखा, बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो, भगवान राम बड़ी सुंदर सुंदर दोना पत्तल बना देते हैं, मैया सीता तो रोज 56 भोग 36 व्यंजन बना रही है, और भैया लक्ष्मण सुखी सुखी सुंदर लकड़ी ले आते हैं, और हनुमान भैया सारे काम को देख लेते हैं, मैं तो अभी केवल भिक्षा लाता हूँ सब कर लेते हैं, चिंता मत करो। मैया बोले केवल ज्यादा भिक्षा ले आओ। अभी गुरु जी को तो ये बात पता ही नहीं, गुरु जी बोले पागल क्या बोल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया। अब गुरु जी जब संतों के साथ में आए, बड़े सोच सोच करके आए, छोटा बच्चा पता नहीं क्या करता होगा नहीं करता होगा, बड़े चिंता करते हुए आए। लेकिन जब आए ना, देखा इतने रसोई घर में बनी हुई, बोले भैया इतने तरह का खाना बनाया किसने? देखा माँ सीता कोने में बैठी हुई और स्वयं रसोई बना रही है लक्ष्मी। इतने में गुरु जी को देखते ही ना, थोड़ी सी मीठी मीठी मैया सीता हंस करके वही अंतर ध्यान हो गई। तब गुरु जी ने पूछा, बेटा ऐसे कैसे होगा? बोले गुरु जी जब आप गए ना, ठाकुर तो खा ही नहीं रहे थे, मैं तो सरजू नदी में आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, पर ठाकुर जी खाना शुरू कर दिए,
दो चार दिन बाद में मैंने कहा ठाकुर जी मेरे से इतना नहीं हो पा रहा है, फिर सबके सब मदद किया। बोले भैया तेरे जैसे चेले को पा करके मेरे जीवन धन्य हो गया है, तेरे जैसे चेले पा करके तुमने ठाकुर को इतने वशीभूत कर दिया, आज स्वयं ठाकुर जी सेवा के तेरे जैसे शिष्य पा करके मेरे जीवन धन्य हो गया। देखो इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। ठाकुर जी सब कुछ करते हैं। आप लोग कोई उड़ीसा गए हो? कौन कौन उड़ीसा गए हैं हाथ उठाओ तो। कौन कौन उड़ीसा गए? जगन्नाथपुरी कौन कौन गए हाथ उठाओ तो। अरे कोई गए नहीं जगन्नाथपुरी। हे भगवान, आप देखना जगन्नाथपुरी से पहले एक स्टेशन है, उसका नाम साखी गोपाल है। जानते हो उस स्टेशन का नाम साखी गोपाल क्यों पड़ा? कृष्ण साखी देने के लिए वृंदावन से चलते 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 जगन्नाथपुरी तक गए और अपना साखी दिया था, इसलिए वो स्थान का नाम साखी गोपाल। उसको पहले एक स्टेशन पड़ता है ये बालेश्वर, वहां पर भगवान राम स्वयं अपना हाथों से कृष्ण मूर्ति बनाई। एक भक्त के लिए उन्होंने खीर चोरी की, इसलिए ठाकुर का नाम खीर चुरा गोपीनाथ। जगन्नाथपुरी में एक सेवक था, वो ठाकुर कृष्ण की सेवा करते थे, कृष्ण बहुत ऊंचे थे। जब वृद्ध हो गए उनकी सेवा नहीं हो पाई, बोले और किसको आप ढूंढ लो। ठाकुर जी बोले मैं किसको ढूंढूंगा, कल मैं बैठ जाता हूँ। आप जा करके देखोगे जैसे कि इंसान पद्मासन करके बैठा हुआ, ठाकुर जी बैठे हुए। वहां पर एक ब्रह्मगिरी जिस विग्रह को ब्रह्मा स्वयं सेवा करते थे, किसी भक्त ने उनको एकदम गर्म गर्म खीर भोग लगाया। जब उन्होंने गर्म खीर में हाथ डाला कर खाए, उनका हाथ खोखला पड़ा हुआ और मुंह में खोखला और छाती में खोखला पड़ा हुआ। अभी भी जाकर के देखोगे तीन जगह में ठाकुर जी की खोखला पड़ी हुई है। इसलिए ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, लेकिन किसके लिए करेंगे? नास्तिक के लिए। जैसे हिरण्यकश्यप पूछा तेरे भगवान कहाँ है, बोले बताओ मेरे भगवान है ही नहीं, कहाँ बताओ। बोले खंभे में क्या है, बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर जी खंभे में बैठे। बोले मेरे को क्यों दिख नहीं रहा है, बोले पिताजी आपका आंखों में काम क्रोध लोभ की काजल लगा करके रखे हो। भगवान तभी दिखती हैं जब प्रेमांजना छुरी तो भक्ति बिलो चरिना, जब प्रेम रूपी काजल लगाओगे। उन्होंने मुष्टि का घात प्रहार किया तो नरसिंह देव खंभे फाड़ करके प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान बोलने का तात्पर्य है, बोलने का तात्पर्य माताएं ध्यान करके सुना। सब माताएं ठाकुर को सेवा करते हो ना, रोज घर में जो ठाकुर जी को रोज स्नान कराना। लेकिन मैं किसी से गया देखा, ठाकुर जी का शरीर एकदम काले पड़े हुए, ठाकुर जी एक कपड़ा पहने हुए 10-15 मतलब कितना दिन से, बोले 15 दिन से कपड़ा नहीं बदला। खूब तो दिन में 3 बार अपना ड्रेस बदलाते हो, दिन में रोज साबुन लगा कर शैम्पू लगा कर स्नान करते हो, जब ठाकुर को साफ नहीं कर सकते। इसलिए ठाकुर जी को साफ करना बीच बीच में, जैसे नींबू से हो दही से हो, रगड़ रगड़ करके ठाकुर को साफ करना। जैसे अपना लिए जैसे जैसे तुम्हारी बर्थडे आ जाए, कोई शादी कोई बढ़िया दिन, हम पति को क्या बोलते हो, एक साड़ी ले आना, साड़ी मेरे लाओ। अगर पति बोलेगा मेरे समय नहीं, बोले मेरे को पैसा दे दो मैं खुद खरीद करके ले आऊंगा। अगर आपकी समय नहीं हम मेरे को पैसा दे दो। भैया जब अपना लिए बच्चे के लिए इतना कर रहे हो, ठाकुर जी के लिए नहीं कर सकते। द्रौपदी को भगवान इतने वस्त्र क्यों दिए, भगवान के अंगुल कट गई, द्रौपदी साड़ी फाड़ करके पहना दी, इसलिए भरी सभा में ठाकुर जी लाज बचाए। ठीक है ना, भले ही घर में जितने ठाकुर जी के लिए पोशाक की हो, कोई अच्छी तिवार आए तो अपना लिए मत देखो, अपना बच्चे के लिए भी मत देखो, पहले ठाकुर जी के लिए देखो। ठाकुर जी को जितने श्रृंगार करोगे ना, इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में बताए, ठाकुर को जो कपड़ा पहनाते उसमें जितने धागा है ना, उतना कल्प तुम्हें ठाकुर का धाम में वास होता है। भगवान खुद कहते भगवान को सेवा करने का इतने महत्व, लेकिन ये दुनिया में सेवा करते 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 थक जाओ। सारा दुनिया की जितने सेवा कर, बताओ संसार में हम सबकी सेवा करते हैं। अभी तो कोई खुश हुए, पति खुश हो पाए ना, बेटा तुम्हारी खुश हुई ना, बेटी खुश हुई ना, तुम्हारी पत्नी खुश हुए,
किसको खुश कर पाई दुनिया में सबकी सेवा कर रहे हो। थोड़ी सी अगर भूल चुक हो जाए ना मेरे लिए क्या किया, एकदम झट मुंह से आती है। दुनिया में किसी को खुश नहीं कर सकते हो, लेकिन भगवान को खुश करना विश्व ब्रह्मांड खुश हो जाते हैं। खुश करना तो सिर्फ ठाकुर को खुश करो, ठीक है ना। ठाकुर को भोग लगाओ, ठाकुर को सेवा करो, उन्हीं के आशीर्वाद से हम संसार में सुख और शांति में रहेंगे, ठीक है। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे बीच में एक प्रभु जी है, थोड़ी सी आपको कथा सुनाएंगे। अभी फिर एक रुक्मिणी की शादी होगी, फिर एक प्रसाद लेकर जाना श्री। ये प्रभु जी हमारे एक मोहन नगर है, ये मोहन नगर में ये हमारे गुरु जी की शिष्य है। ये मोहन नगर में जैसे यहाँ पर कथा हो रही ना, वहाँ पर भी हर साल कथा हुआ करती है। ये प्रभु ने वहाँ पर प्रचार किया, बड़े सुंदर भक्त बनाए, वहाँ से भी आज कुछ कुछ भक्त लोग आए हैं। देखो आप लोग भी कोशिश करना, जैसे 7 दिन तक कथा सुने, सुने कि नहीं कथा। देखो इसका ऋणी कैसे उतारोगे, ऋणी तभी उतार पाओगे अगर तुम्हारी अड़ोसी पड़ोसी को अगर कथा सुनाएगा। जैसे हम बैठ जाते हैं 20 साल की बात को ला करके बोलते हैं, कितने इधर उधर का सारा दुनिया की बात नहीं, बैठ करके ठाकुर की चर्चा करो, भगवान की चर्चा करो, भगवान की भक्ति की चर्चा करो, ठीक है ना। उसमें देखना शांति मिलेगा। एक व्यक्ति को अगर भक्त बना दिया ना, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए सबके सब भगवान की कथा बोलना, दूसरों को प्रचार करते हुए भक्ति में लाओ, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न है तुम्हारे पर होंगे। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने शिशिमते भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षं औदार्य माधुर्य गुणैश्चयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वं शिरसां नमामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतो नमो नमः। वांछा कल्पत रुभुश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम सन्निधि गुरुपाद पर नित्य लीला पुष्टम जगत गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिष्यवंत भक्ति विदान परमहंस त्रिदंडी स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत 85 व्यास स्वरूप मेरे शिक्षा गुरुदेव शिष्यवंत भक्ति विदान श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानु गुरु वैष्णव परंपरा के श्री चरण कमलों में आश्रय लेते हुए उनको भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। 85 मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता मेरे मार्गदर्शक जीत प्रभु इनको मैं प्रणाम करता हूँ। और सभी वैष्णव वैष्णवी मातृ मंडली भागवत कथा प्रकाशु श्रोत मंडली सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। महाराज जी का आदेश है कुछ हरि कथा बोलने के लिए। यद्यपि आप सभी लोग पिछले 7 दिन से महाराज जी के मुख मंडल से बहुत ही सुंदर कथाएं आपने श्रवण करी और पिछले काफी वर्षों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, इस सिलसिले को जारी रखेंगे आगे तक भी, महाराज जी ऐसी आशीर्वाद करें हम लोगों के ऊपर। और हरी कथा तो महाराज जी के मुख से ही अच्छी लगती है और मैं भी कोशिश करके सुनने के ही उद्देश्य से आता हूँ, लेकिन महाराज जी की अहित भी कृपा होती है, कुछ बोलने के लिए हमको उत्साह करते हैं और इनकी कृपा से जो इनसे सुना वही हम बोलने की चेष्टा भी करते हैं।
तो महाराज जी ने समय दिया 5 मिनट। मैं तो कहता हूँ महाराज जी 5 मिनट भी मेरे लिए ज्यादा है, क्योंकि आपको सुन के अच्छा लगता है। आपकी वो मधुर वाणी जब कर्णों के द्वारा हृदय में जाती है तभी आनंद आता है। लेकिन फिर भी महाराज श्री का आदेश है, आदेश को पूर्ण करने के लिए एक छोटी सी विचार विमर्श कर लेते हैं कि महाराज जी के माध्यम से हम लोग समझे, कथा नहीं सुना रहा हूं, हम लोग समझे कि महाराज जी के माध्यम से भगवान का हमको, मैं तो अनुभव कर रहा हूं, अभी मंच पे बैठे बैठे ही अनुभव कर रहा था तभी ये बोल रहा हूं कि महाराज जी के माध्यम से भगवान हमको कितनी कृपा कर रहे हैं, ये हमको थोड़ा सा सोचना और समझना पड़ेगा। अगर सोच के समझ गए तो निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त करने वाले मार्ग पर चल पड़ेंगे। कैसे भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं? एक तो भगवान सर्वत्र तो विद्वान है कण कण में, लेकिन विशेष रूप से इस कथा पंडाल में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? भगवान स्वयं कहते हैं नारद जी को, ना हम वसामी वैकुंठे ना योगी नाम हृदय मद भक्त यत्र गायंतो तत्र तिष्ठामि नारद, कि मेरे जो शुद्ध भक्त हैं जहां मेरे कीर्तनों का गान करते हैं, मेरी कथाओं को बांटते हैं सुनाते हैं, मैं वहां आके बैठ जाता हूं। अब कितने लोगों ने ये अनुभव करा होगा कि भगवान यहां बैठे हुए हैं? ये आपके ऊपर आपकी सोचने की शक्ति है, या भगवान आपको ऐसी कृपा करें कि आप इस विषय में सोचें कि भगवान यहां बैठे हैं क्योंकि भगवान की मुखवाणी है, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त उनकी कथा बोल रहे हैं, भगवान यहां बैठे हुए हैं। दूसरा, भगवान यहां एक रूप में और बैठे हुए हैं, श्रीमद् भागवत के रूप में। श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान यहां विराजमान है। भगवान की कृपा देखिए हम बद्ध जीवों पर कितनी ज्यादा है, अनुभव करने वाली बात है। श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान यहां विराजमान है। तीसरा, भगवान अपने श्री विग्रह के रूप में नाट्य मंदिर में सेवित हो रहे हैं पिछले 7 दिनों से, श्री विग्रह के रूप में भगवान यहां विराजमान है। चौथा, भगवान सदगुरु के रूप में, साधु के रूप में आते हैं, जो सबसे ज्यादा विशेष है जीव के कल्याण के लिए। तो भगवान सदगुरु के रूप में हमारे मध्य में महाराज श्री के रूप में प्रस्तुत है, और पिछले कितने सालों से यहाँ आ भी रहे हैं, और महाराज जी ने कल कुछ लोगों को हरिनाम दीक्षा भी दिया होगा, और जो लोग अभी तक हरिनाम दीक्षा लेके भगवान से जुड़े नहीं उन लोगों को मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि भैया इस मनुष्य जीवन का पूर्ण लाभ उठा लो, ये फिर पता ना मिले कि ना मिले। भगवान ने अहितु की कृपा करी तो 84 लाख में से फिर ये मनुष्य जीवन हमको दे दिया। अब इसका हम पूर्ण लाभ उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं ये अपने हमारे हाथ में है। तो जो भी इस मनुष्य जीवन का पूर्ण लाभ उठाना चाहता है, जैसे कल एक जगह कथा थी तो वहां हमें बुलाया हुआ था एकादशी की, तो जैसे एक छोटे से उदाहरण से मैंने उन्हें समझाया भक्त लोगों को कि भाई देखो, जैसे किसी की सेवा चेष्टा को देख कर या भगवान ने अहितु की कृपा कर किसी जीव को दर्शन देके एक पारसमणि या एक चिंतामणि दे दी, बोली के बेटा ये तू ले ले अभी और मैं शाम को फिर प्रस्तुत होऊंगा और ये लेके चला जाऊंगा। लेकिन वह व्यक्ति अपने गृह कार्यों में इतना उलझा रहा कि वो पारसमणि या चिंतामणि को लेकर भी उसका उपयोग शाम तक नहीं कर पाया। गृह कार्य पीछा नहीं छोड़ते हैं, संसार हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, बस ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, तो वो चिंतामणि जो भगवान ने दी उसको वो उपयोग नहीं कर पाया, और संध्या वेला में भगवान फिर प्रस्तुत होकर बोले बेटा वो मणि मुझे वापस कर दो, क्योंकि हमारा और आपका यही वादा था कि सुबह से शाम तक ये आपके पास रहेगी। उस व्यक्ति ने उस मणि को भगवान को वापस कर दिया। चिंतामणि हाथ में आने के बाद भी वो फिर भी गरीब ही रहा, वो कुछ भी चाह के कर सकता था, उससे धन ले सकता था, कुछ भी। ऐसे ही भगवान ने अहितु की कृपा करके ये मनुष्य जीवन दिया है ना। महाराज जी हमेशा सुनाते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा सूर दुर्लभ, कि ये एक तो बड़े भागों से मिलता है, ऊपर से देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसा मनुष्य जीवन। तो ये जो हमको मिल गया है ना, इसका हम सदुपयोग कर लें, और जो व्यक्ति अभी तक हरिनाम नहीं लिए हैं वो कल महाराज जी विशेष हम महाराज जी को अनुमोदन करेंगे, निवेदन करेंगे, सुबह 8 बजे महाराज जी जहाँ विश्राम कर रहे हैं पिछले 7 दिन से,
गली नंबर 17 मकान नंबर 160। महाराज जी कल सुबह भी 8 बजे हरिनाम देंगे और मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मैं तो इधर रहता नहीं, मैं मोहन नगर गाजियाबाद में रहता हूँ, लेकिन मैंने अनुभव करा है कि महाराज जी में जो शक्ति है वो तभी आप लोगों को पता चलेगा जब महाराज जी के आप थोड़े से संपर्क में आ जाएंगे, थोड़े से संपर्क में आ जाएंगे। जैसे एक लोहे का टुकड़ा अगर किसी चुंबक के थोड़े से भी संपर्क में आ जाए तो वो अपने आप ही खिंच जाता है, ऐसे ही भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों में उतना माधुर्य, उतना प्रेम, इतना कि हम बोल नहीं सकते, ये आपको तभी दिखेगा। और कुछ कुछ आप आभास कर भी चुके होंगे कि महाराज जी 7 दिन से यहाँ हैं, कथा सुना रहे हैं, महाराज जी की इतनी मधुर वाणी है कि सीधा हृदय में उतरती है। तो मैं फिर से एक बार मंच से आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हरिनाम लेके इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करने का रास्ता नहीं खोला है, वो कल सुबह 8 बजे महाराज जी की कुटी पे आके हरिनाम ग्रहण करें और महाराज जी से जुड़ के, भगवान से जुड़ के अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करें। यही भगवान की वास्तविक कृपा है, यही भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है कि हम भगवान और भगवान के भक्तों से जुड़ जाएं। इतना ही कह के मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ, महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। महाराज श्री आप आशीर्वाद करें कि मेरा ये जीवन आप और आप जैसे शुद्ध भक्तों की सेवा में निकल जाए। इतना कह के मैं विश्राम करता हूँ। वंशा कल्पत रूप सच्चे कृपा सिंधु पतितनाम पावन श्री वैष्णव्यो नमो नमः। गुर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला भूमिष्ठ विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पे कृपा करें, हम शुद्ध भक्ति में आगे बढ़े। तत्पश्चात मनचासी पूज्य पद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी से चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पे आशीर्वाद करें कि हम शुद्ध भक्ति कर पाए एवं उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों को और जो कथा सुनने के लिए सज्जन मंडली यहाँ उपस्थित है उन सबको मेरा यथा योग्य प्रणाम। जो प्रभु जी अभी बोल रहे थे, जो हमारे गुरु भाई प्रभु ने अभी बोला, उसी बात को एक लीला से एक बार हम समझते हैं। क्या लीला हुई एक बार, तुलसीदास जी का नाम सुना है हमने, संत तुलसीदास का नाम सबने ही सुना है। क्या थे वो? राम भक्त। क्या थे? राम भक्त। तो वो क्या करते थे, क्या हमने सुना है ना, साधु संत क्या होते हैं, रमता जोगी बहता पानी। क्यों वो घूमते हैं, क्यों वो घूमते हैं यहाँ से वहां, कि भगवान के वाणी का प्रचार करें। तो ऐसे ही तुलसीदास जी गांव गांव जाते थे, शहर शहर अलग अलग राज्य में जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक राज्य में पहुंचे तो वहां के मंत्रियों ने राजा को बता दिया कि ऐसे ऐसे तुलसीदास जी आए, भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं, ठीक है आप जाइए उनका दर्शन कीजिए। ऐसा सुना गया है कि वो भगवान के दर्शन करा देते हैं। और वो राम जो राजा था वो भी राम भक्त कहता था अपने आप को, तो कहता वाह अगर राम जी के दर्शन करा देंगे तो चलो कल सुबह उनके पास चलेंगे। और कैसे गया राजा, थाले भर भर के, थाले भर भर के सोना अशर्फियां खाना पीना, कहते चलो चलेंगे। और थाली भर के जब पहुंचे हैं उसके पास तो देख रहे हैं तुलसीदास जी कैसे रहे हैं, बिल्कुल सादा, ठीक है, कुटिया में अपने आराम से हरिनाम कर रहे हैं, राम सीता राम कर रहे हैं। और जैसे ही राजा अंदर पहुंचा तो राजा ने उनको प्रणाम किया तुलसीदास जी को और कहा कि मैं राम जी के दर्शन करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, भगवान राम के दर्शन करना चाहता हूँ। तो तुलसीदास जी ने बड़े सरलता से उत्तर दिया, वाह क्या अभिलाषा है आपकी और इसका तो बड़ा सरल सा उपाय है। राजा बड़ा हैरान सा हो गया, सरल सा उपाय बताइए, ऐसा सरल उपाय क्या है, कहते बस क्या करना है, राम नाम लेना है, बोलो सीताराम 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 सीताराम। राजा कहता आप वाकई में कोई साधु हो ना भाई, ये सीताराम मेरी माँ मुझे ये नाम देके गई थी, बचपन में ही राम भक्त बना दिया था और हनुमान राम जी का पूरा बड़ा सा दरबार है मेरे महल में,
ये बचपन से ले रहा हूं मैं, मेरी माँ भी लेती थी, तो सोचो मैंने पेट से लिया ये नाम। हाँ, और मुझे कह रहे हो ये नाम लेने से ही दर्शन हो जाएंगे, मैं नहीं मानता इस बात को। हाँ, ढोगी साधु है ये, उसे कुछ नहीं आता। अरे बताओ सच्ची में करा सकते हो नहीं करा सकते हो? तो तुलसीदास जी फिर कह रहे भाई यही नाम है और इसी से होंगे। राजा कह रहे उठाओ सारी थालियां चलो वापस। एक दिन के बाद अब क्या होता है, तुलसीदास जी उनके महल में पहुंचते हैं और तुलसीदास जी खड़े होते हैं, सीधा महल में अंदर आते हैं और चिल्लाते हैं, दरबानों सिपाहियों इस राजा को बंदी बनाओ, इस राजा को बंदी बना लो। राजा हंसता है, क्या लगता है साधु थोड़ा पागल हो गया, कहते हैं सब हंस रहे होते हैं, सब हंस रहे होते हैं। फिर चिल्लाते हैं तुलसीदास जी तुम्हें सुनाई नहीं देता, क्या करो इस राजा को बंदी बना लो। अब सिपाही और हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। ऐसे करके जब तीन चार बार उन्होंने तुलसीदास जी ने चिल्लाया तो राजा को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, कहता साधु ढोंगी हाँ अपने आप को क्या समझता है, सिपाहियों ऐसे ही किया था। सारे सिपाही दौड़े और पकड़ लिया तुलसीदास जी को। तो तुलसीदास जी बहुत जोर से हंसने लग गए, ठहाका लगा के हंसने लग गए। तो जो राज पुरोहित था उसका दिमाग लगा कि है तो ये शुद्ध साधु, इनके बारे में आज तक मैंने ऐसा ही सुना है, ये राजा कुछ गड़बड़ी कर रहा है। तो राजा के पास गए और बोले कि पूछो इन संत से, इन साधु से, ये पक्का इनकी कोई ना कोई चलाकी है, आपको कुछ सिखाना चाहते हैं और आप समझ नहीं पा रहे। तो राजा ने कहा अब राज पुरोहित कह रहा है तो पूछ ही लेते हैं। तो वो गए, विनम्रता से गए, क्यों अकड़ से जाएंगे तो साधु कभी कुछ नहीं बताएगा, विनम्रता से गए और क्या बोला कि हे साधु हे बाबा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आपने ये साहब क्या किया, क्या सिखाने के लिए तो मुझे बताओ। तो तुलसीदास जी कहते हैं देखो जब मैं चिल्ला रहा था कि सिपाहियों बंदी बनाओ बंदी बनाओ बंदी बनाओ, क्या इन सिपाहियों ने सुना नहीं था, क्या क्या इनके कानों में क्या बंद हो गए थे क्या कान, इनको सब सुनाई दे रहा था, पूरे दरबार को सुनाई दे रहा था, राजा तुम्हें भी सुनाई दे रहा था, पर कोई आया, कोई नहीं आया। और तुमने इशारा मात्र किया, पूरा बोला भी नहीं था ढंग से, इशारा मात्र किया और आगे मुझे इन्होंने क्या कर लिया, उठा लिया, पकड़ लिया। तो ऐसे ही ये राम नाम, ये भगवान का नाम, भगवान सुन तो रहे हैं पर जब जैसे राजा के पास पावर है जब वो बोलेगा होगा, ऐसे ही सदगुरु जो भगवान के भक्त हैं जिन्होंने उस नाम से, उस नामी को, नामी मतलब कौन, जिसका नाम है उन भगवान को प्राप्त कर लिया है, जब ऐसे सदगुरु आपको वही हरि नाम देते हैं तब वो नाम काम करेगा, वरना बोलते रहेंगे। भगवान भी सुन रहे हैं, भगवान भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है भगवान वो वाला नाम भी नहीं सुनेंगे, सुनेंगे पर आएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अभी तक इसने गुरु धारण नहीं किया है। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम गुरु धारण करें, ऐसे सदगुरु के पास आए और उनसे ही हरि नाम लें, ठीक है। ऐसे ही अब मैं एक चीज और साथ में बोलना चाहता हूं, जो हमने पिछली बार भी, महाराज जी ने भी बड़ा बोला था, संस्कारों पे। बच्चों के संस्कार कैसे चल रहे हैं, स्कूल में हम किस लिए भेजते हैं, पढ़ाने लिखाने के लिए ना, पढ़ाने लिखाने के लिए भेजते हो, वहां की पढ़ाई करके उनको कुछ फायदा हो रहा है, मेरे ख्याल से ज्यादा ही बिगड़ रहे हैं। हम कई सौ रुपए हजारों रुपए स्कूलों में किताबों में हर चीज में खर्च कर रहे हैं पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने ये किताबें नहीं लेके रखी हुई घर में। हमारे गुरुदेव 90 साल तक उन्होंने इस पृथ्वी पे लीला करी, रात रात दिन दिन इन ग्रंथों को लिखा है उन्होंने, ठीक है। ये ऐसे ही कोई हमने ऐसी दुकान नहीं लगा दी है ग्रंथों की कि हाँ या हम तो वहां जाते हैं बुक फेयर में गए, वहां तो कई दुकानें थी, गीता प्रेस, ये प्रेस, वो प्रेस, फलाना प्रेस, ढुमकाना प्रेस, वहां पे भी ऐसी ऐसी किताबें थी, शास्त्र थे, सब दे रहे थे। तो तुम्हारे इन शास्त्रों में और उनके शास्त्रों में क्या फर्क है, तो फर्क बताएं। ये जो ग्रंथ जिन्होंने लिख के दिए हैं, बातें वही भागवतम की, भगवत गीता की, शास्त्रों की हैं, पर जिन महापुरुष ने ये लिख के दिए हैं ना, उन्होंने उसको अनुभव किया हुआ है, धारण किया हुआ है, आचरण किया हुआ है,
और उस जगत से आके हमें ये बातें बता रहे हैं, इसलिए ये वो फर्क है। वहां पे तो किसी पंडित शास्त्री ने संस्कृत का अनुवाद किया और लिख के दे दिया, उसको पता भी नहीं है। खुद जो भगवत गीता लिखने वाले कोई पंडित थे, मैं नाम नहीं लूंगा कौन सी प्रेस का है, पर उनसे जब वार्तालाप हुई हमारे वैष्णवों की, तब उन्होंने माना कि भाई हम तो केवल संस्कृत के कोरे क्या है, शास्त्री हैं, जैसा लिख रहे हैं हमारी दुकान चल रही है, चलने दीजिए, आपके जो विचार हैं हम उनको ग्रहण करते हैं, पर सामूहिक रूप में मतलब सबके सामने हम मान नहीं पाएंगे, तो हम आपके ग्रंथों की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, पर हम क्या करें, जो इतने सालों से छपता आ रहा है ना, अगर हम उसको बदल देंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। इसमें पूर्णता सत्य है। ये ग्रंथ, ये किताबें क्यों नहीं पढ़ा रहे अपने बच्चों को? क्यों? क्योंकि हम खुद भी नहीं पढ़ रहे। अरे जैसा महाराज जी कह रहे हैं, इस भागवत से वापस जाना तो क्या लेके जाना, इस भागवत से कुछ लेके जाना और आस पड़ोस में देना। ऐसे ही इसको प्रसाद रूप में लेके जाओ ना, ये वो प्रसाद है जो हमेशा के लिए रहेगा, सड़ेगा गलेगा नहीं, उल्टा हमारे अंदर जो सड़ांत है, जो गलंत है, जो हम अंदर से हमारा मन सड़ा गला है, उसको ठीक कर देगा। अपने साथ कई सारी लेके जाओ। एक प्रश्न मैं पूछता हूं, अगर हींग की फैक्ट्री में जाओगे और बाहर निकलोगे तो कौन सी खुशबू आएगी आपके अंदर से? इसकी, गुलाब की, हींग की ना। तो 7 दिन इस भागवतम, इस कथा की फैक्ट्री में बैठे हो तो बाहर जाओगे तो कैसी खुशबू आनी चाहिए? भागवतम की। और भागवतम का सार क्या है? भगवान का नाम। तो ये नाम करते रहना और आस पड़ोस में करवाते रहना, और इस प्रसाद को अपने लिए भी और सबके लिए भी लेके जाना। ऐसे मत आना कि 10 वाली कौन सी है, 40 वाली कौन सी है, 80 वाली कौन सी है। ये हमसे पूछ लो कि अभी हमारे लिए कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए, हम बता देंगे। पैसे की चिंता मत करो, पैसा भगवान बहुत दे देगा। जब हम गोलगप्पे टिक्की की रेडी पे जाते हैं ना, तब हम पैसे की चिंता नहीं करते हैं। हम रेस्टोरेंट जाते हैं, पैसे की चिंता नहीं करते हैं। और जब साड़ी देखने जाते हैं, भैया पैसे की चिंता मत करियो, तू दिखा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमसे भी पूछो कि वो ग्रंथ हमें बताओ, वो किताबें हमें बताओ, जिसको पढ़ के हम भी संस्कारी हों, अपने बच्चों को भी संस्कारी करें। प्रभु जी पैसे की चिंता मत करें, और पैसे की चिंता हम भी नहीं कर रहे हैं, केवल जो इसकी प्रकाशन का मूल्य आता है, लाने लाने का मूल्य आता है, बस वही लगाया और कुछ नहीं ले रहे आपसे, ठीक है। तो जैसा महाराज जी कह रहे हैं, हम ये हरिनाम करेंगे, खुद संस्कारी होंगे और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देंगे। गौर प्रेमानंदे माइक इधर दे दो, माइक इधर। आप लोग जाते समय वो प्रभु जी ये बहुत लिखे पड़े, पिटे किए हुए, इंजीनियरिंग भी किए है, लेकिन प्रभु जी अपना भक्ति भी करते हैं, भगवान की कथा भी दुनिया में प्रचार करते हैं, हाँ, और दुनिया में ये ग्रंथ को भी प्रकाश करके गुरु जी की सर्वत्र वितरण भी करते हैं। आप लोग जाते समय कोशिश करना कम से कम एक एक पुस्तक लेकर के जाने के लिए। घर में पुस्तक रहेगा, बच्चे भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ोगे। खाना तो एक दिन खाए, दूसरे दिन खत्म, लेकिन ये ग्रंथ जब तक घर में रहेगा, कृष्ण कहते हैं ये ग्रंथ जिसको घर में रहेगा उसको घर में ठाकुर का निवास होता है, भगवान की निवास होता है। जरूर एक एक ग्रंथ ले जाओ। बोलो सभी एक बार प्रेम से बोलेंगे हाथ उठा के, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। आज कथा का विश्राम दिन है, मतलब कथा खत्म नहीं होगी, क्या है विश्राम। भगवान की कथा कभी भी खत्म नहीं होती, अनंत है। तो आज विश्राम है, जैसे यहाँ पर इस कंपाउंड में कम से कम 400-500 लोग बैठे, कल शायद ना हो इतनी, है ना, तो आज कथा विश्राम हो गई। तो इस कथा में बहुत सारे भक्त लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिया, बड़ी हमारी सहायता की। हर कथा के बाद हमका यद्यपि कोई शब्द नहीं है उनका धन्यवाद करने के लिए, परंतु फिर भी महाराज जी की इच्छा है, भगवान भी बड़े ऋणी हो जाते हैं जो कथा में एक व्यक्ति को भागवत कथा में लेके आता है और किसी प्रकार से भी सहायता करता है, भगवान उसका ऋण चुका पाते तो हम कैसे चुका पाए।
हम तो सिर्फ थोड़ा बहुत धन्यवाद ही कर सकते हैं, पर फिर भी मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, जिस ने भी इस कथा में, जिस माता ने, जिस प्रभु जी ने इस भागवत कथा में एक माचिस भी दिया है, अगरबत्ती भी दिया है, चावल का एक दाना भी दिया है, हम उन सब के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके घर में सुख हो, शांति हो और आनंद हो। परंतु फिर भी कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कथा में आगे बढ़कर सुबह दोपहर शाम रात 7 दिनों तक लगे रहे कथा को सफल बनाने के लिए। यदि उनका धन्यवाद नहीं किया जाए तो मेरे जैसे व्यक्ति के उनके चरणों में अपराध होगा, इसलिए उसके समाधान के लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे को भी बहुत आनंद आया कथा का सुनकर, बहुत दूर दूर से लोग भी आए, सर्दी का भी मौसम था, जैसे मैंने बताया जनवरी का महीना है, लोग कह रहे बोले जी सर्दी में कोई आएगा नहीं, तो मुझे तो लग नहीं रहा कोई बैठने की जगह है यहाँ पर, ऐसा लग नहीं रहा कि इतनी सर्दी है, सर्दी तो है परंतु लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ इसमें सहायता की। तो उसमें मेरे पास कुछ कुछ इसमें लिस्ट है, मैंने फिर एक बार बोल रहा हूँ कि यदि किसी का नाम भूल जाए गलती से आप लोग क्षमा करना, हमने प्रयास किया सबका नाम लेने का, क्योंकि भगवान तो देख रहे हैं, मैं जो भी एक भी थोड़ी भी सेवा करता है भगवान उसका ऋण चुका नहीं पाते। जैसे कि हमारे आप देखते हो प्रसाद पाते, प्रसाद पाने के बाद सब लोगों को बिस्लरी पानी की व्यवस्था है, पानी तो वो 7 दिन में जो पानी की व्यवस्था की है, हमारे बबलू पानी वाले हैं अशोक नगर में रहते हैं, और सब लोगों ने पानी पिया और उन्होंने भागवत में 7 दिनों तक सेवा की, आज भी सेवा की है, इसलिए आप लोग उसके ताली बजाएंगे बबलू पानी वाले। अगर यहाँ है आ सकते हैं, अभी अभी आरती के समय आएंगे बबलू जो पानी वाले यदि होंगे, जब आरती होगी, जो जिनका नाम ले रहे हैं ना सब लोग आएंगे आरती के समय स्टेज पे आएंगे और महाराज से आशीर्वाद लेंगे। और देखो अगर यहाँ पर कथा करें, जैसे कथा का एक माध्यम, ये कथा बहुत दूर दूर तक जा रही है, उधर अशोक नगर में एक ब्लॉक में हॉर्न लगा हुआ है, इधर साउंड भी बहुत अच्छा लगा है, तो हर बार हमारे जो रामदेव जी साउंड वाले हैं ये हमारी कथा में हर बार सहायता करते हैं और बहुत ही कम नाम मात्र का पैसा लेते हैं, बड़ी बड़ी रथ यात्रा भी निकलती है नोएडा में, तो ये साउंड रामदेव जी साउंड वाले हैं, इनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजाएं। और देखो गरम गरम जो प्रसाद मिलता है ना, कल भी लोग कह रहे थे जी एकाशी का प्रसाद, अरे आज एकाशी का प्रसाद मिलेगा, पर जब लोगों ने पाया ना इतना गरम गरम इतना स्वादिष्ट, करे ये एकाशी का प्रसाद है, तो बहुत लोग खुश हो गए थे पाके प्रसाद। तो ये जो हम लोग सोचते हैं कि ठंडा प्रसाद ना दिया जाए, सर्दी है एकदम गर्म गर्म ही दिया जाए, तो इसके लिए एक पूरी टीम है जो कि विपिन प्रभु है, हमारे मूल हेड है विपिन प्रभु है, और ये अशोक हलवाई जी है, इनकी पूरी टीम है, पूरी सहायता करती है कि जब तक भोग आरती के समय तक प्रसाद बनाती है और एकदम गर्म करती है, गर्म करके रखती है कि लोगों को प्रसाद ठंडा ना मिले, तो इसलिए जो इन्होंने जितना अच्छा आपको प्रसाद लगा उतनी जोरदार ताली बजाएंगे विपिन प्रभु। और हमारी बहुत सारी माताएं हैं, मैं हर बार कुछ ना कुछ त्रुटि कर ही देता हूँ, कोई ना कोई माताएं छूट ही जाती हैं, पर फिर भी जिनका मेरे पास नाम है, जिनको मैंने देखा, जो स्मरण है नाम, उन माताओं ने बहुत प्रकार से सेवा की है, महाराज जी का प्रसाद बनाना, सुबह बनाना, दोपहर बनाना, शाम बनाना, महाराज जी के साथ साथ रहना, हर तरह से सहायता करना, बहुत सारी माताएं, तो उनमें कुछ माताओं का मेरे पास नाम है और कुछ माताओं को मैं नाम नहीं जानता शायद चेहरे से, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने माताओं में हमारे भागवत में सेवा की है महाराज जी की। कुछ माताएं जिनका मैं नाम लेता हूँ, इसमें हमारी लक्ष्मी माता जी हैं, लक्ष्मी माता जी हैं, और माधवी माता, माधवी माता जो टेंट वाली हैं विपिन की मम्मी जी हैं, और रमा माता, रमा माता जी बैठी हैं आज भी, बहुत अच्छी प्रसाद की इन्होंने व्यवस्था की है, हेमा माता जी, हेमा माता है, मुन्नी माता, मुन्नी माता जी हैं जो इन्होंने गिरिराज में भंडारा भी दिया था और सब जगह से प्रसाद की व्यवस्था की थी, और ये ब्रजेश गुरु जी की पत्नी है, सालू दीदी है, चांदनी माता जी है, रिंकी माता जी है, और केक वाली अनीता माता जी, केक वाली माता जी है जो इन्होंने इतना सुंदर केक बनाया, अनीता माता जी हैं, इंदु माता जी, मीनाक्षी माता जी, सुमन माता जी, रिंकी माता जी, और सीमा माता जी, सीमा माता जी जो मयूर की पत्नी है, सीमा माता जी, और भी बहुत सारी माताएं हैं जिनका मेरे को नाम याद नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग क्षमा करना जिनका नाम नहीं ले पाए,
उन्होंने बहुत प्रकार से सेवा की है, तो इनके लगे आप सब लोग के ताली। दीप्ति, दीप्ति माता जी, विपिन की जो पत्नी है दीप्ति माता जी, इसलिए मैन हेड का नाम ही भूल गया। दीप्ति माता जी यहाँ हो तो बाद में आएंगे, हमारे से आशीर्वाद लेंगे। और देखो इस प्रसाद में जो व्यवस्था करने के लिए ना, प्रसाद में बहुत सारे भक्त लोग हैं, रोज की रोज प्रसाद यहाँ से उठा के ले जाते हैं, वहां जाते हैं, सब बांटते हैं प्रसाद को। और जब सब एक एक व्यक्ति हो जाता है लास्ट में, बहुत सारी गाली भी सुनते हैं, धक्का मुक्की होती है, रोज कोई ना कोई इनको बोल के भी जाता है, और बहुत उन्होंने सहन किया है। उस प्रसाद की टीम का आप लोग मैं नाम लूंगा, उसमें हमारे हेड रंजीत प्रभु जी, जो बेचारे ऑफिस से सीधा एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं और एयरपोर्ट से सीधा आते हैं प्रभु जी, और सारी प्रकार से सेवा करते हैं। तो रंजीत प्रभु के अनुगत्य में ये जो टीम है, कपिल जी है, राम प्रवेश जी, अनादि प्रभु जी बैठे हैं, ये भी बेचारे आते हैं और पूरी सहायता सेवा करते हैं। वीनू प्रभु जी हैं, आशीष जी हैं, और बहुत सारे हैं, केक वाली माता के दोनों बच्चे हैं और भी हैं, जिनका भी मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा, वीनू, गजेंद्र, अनिगु, और सब बहुत सारे भक्त लोग हैं जो सहायता करते हैं। आप इन सेवा की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बाद में प्रसाद पाते हैं, सबसे बड़ी बात है अच्छा काम कर रहे, गलत नहीं। दूसरी बात, गाली खा रहे रोज की रोज, कोई माता पत्थर फेंक के जा रही है उनके ऊपर, कोई गाली सुना के जा रही है। तो ऐसी टीम ने जो हमारे लिए बड़ी सहन शक्ति, बच्चों ने सहन शक्ति दिखाई है, आज मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे जो टीम है आज और सहन कर लीजिए, कोई भी कुछ भी माता बोले, प्रभु बोले, आप आज और सेवा कर लीजिए और आज और ऐसे प्रसाद बांटेंगे आप सबके लिए, ताली बजाएंगे तो प्रसाद के लिए। और हमारे संजय रावत जी हैं, देखो ये तो 400 लोग बैठ रहे हैं हम लोग, और बैठने की यहाँ पर स्थिति नहीं है, तो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद। विदेश से लोग देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लोग देख रहे हैं, न्यूजीलैंड से, हॉलैंड से, दिल्ली से, गुड़गांव से, बहुत से लाइव टेलीकास्ट करते हैं, रोज ऑफिस से छुट्टी लेके आ रहे हैं लंच की रोज की। तो संजय रावत जी के लिए भी लोग आप लोग ताली बजाएंगे। और अभी जो हमें बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे, जैसे महाराज जी बताए ना, ये एमटेक इंजीनियर जो पीछे बुक स्टॉल लगा रहे, जो एमटेक इंजीनियर होने के बाद भी 1-1.5 लाख रुपए सैलरी होने के बाद छोटी सी बुक के लिए बोलेंगे आपके 10 रुपए की बुक ले लो, इनके जीवन में कोई परिवर्तन आया है? जो अभी तो बोल रहे भाई आप मंगल होगा आपको, आप पढ़ लीजिए। तो बहुत सारे इनके साथ में बहुत सारे लोग हैं, इंजीनियर को लोग जानते हैं, और सभी लोग ड्रिंक कर रहे हैं, शराब पीते हैं, सुसाइड करते हैं, तो इनके हृदय में भी दया आई, मैं भी कुछ बताऊं अपना अनुभव, इसलिए बहुत दूर से आते हैं, जनकपुरी से आते हैं, और आप लोगों को इतनी सुंदर कथा भी सुनाई, स्टॉल भी लगा रखा है। तो प्रार्थना भी कर रहे थे, देखो कोई भी कोई साधारण व्यक्ति मेरा जैसे व्यक्ति बोलेगा ले लो भाई 10 रुपए में ले लो, हो सकता है जीवन इनका अपना पेट चलाने के लिए बेच रहा हो, पर एक एमटेक इंजीनियर 10 रुपए की बुक दे रहा हो, जरूर उसके हृदय में भगवान के प्रति, आपके प्रति विशेष दया है। तो इनके लिए भी ताली बजाए रोहिणी प्रभु जी के लिए। और देखो यहाँ पर भी प्रसाद जो हमारे यहाँ पर भगवान को भोग लगाना, हर तरह की व्यवस्था देखना, सब तरह की व्यवस्था, इसमें क्या हमारे दामोदर पुर जी हैं जिन्होंने सबसे बड़े प्रचार में किया, सब लोग को लेकर आए, घर घर में जाकर बहुत सारा प्रचार किया। ये दामोदर पुर जी और इनके साथ एक बच्चा हर्ष है, वो वैशाली माता जी आई है खोड़ा से, वो खोड़ा से आता है, वो सारी सुबह 3 बजे आ जाता है, स्कूल भी जाता है, फिर यहाँ से महाराज का प्रसाद कराता है और 12 बजे घर पहुँचता है, और रोज रोज आता है बच्चा हर्ष है। तो दामोदर गुरु और हर्ष इनके लिए भी आप लोग ताली बजाए, बड़ी इन्होंने सेवा की। और हमारे जो ललित कृष्ण प्रभु जी है जिनका हमने नाम लिया, वो भी बहुत, उनका बेटा राम प्रवेश जी है, इन्होंने भी बड़ी सेवा की है। राधे राधे प्रभु जी, ललित कृष्ण दास इनका नाम है, ये उत्साह के साथ मिलिट्री में काम करते हैं, पर समय निकाल के 26 जनवरी है ना, इनको स्ट्रिक्ट जॉब है वहाँ पर दिल्ली में ना, अभी बहुत सख्त है गवर्नमेंट, तो फिर भी समय निकाल कर आ रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, इनके लिए भी आप लोग ताली बजाइए। और इस कंपाउंड के सभी लोगों को मैंने धन्यवाद किया था, इन्होंने हमारी हर तरह से सहायता भी की थी, पैसों से भी की थी, और हर तरह से माताएं, कुछ माताएं पत्थरों को हटाती, साफ भी करती थी, और फिर भी जानकी प्रसाद जी जिन्होंने आज प्रसाद के लिए थोड़ा बहुत पैसा भी दिया है, इनका नाम उस दिन नहीं थी, जानकी प्रसाद जी भी। तो इन कंपाउंड के लोगों के लिए आप धन्यवाद करो, कंपाउंड के लोगों ने बड़े ही कुछ प्रकार की सहायता की एक बार के बारे।
और देखो अभी तो सबका हो गया लगभग, पर एक दो लोग रह गए बहुत बड़े, जो जिनका सबसे बड़ा नाम है, कौन है वो आप गैस भी नहीं कर सकते। एक तो कौन है, एक आप लोग ही, जो लोग इतनी दूर से टीवी को छोड़कर अपने घरों में पति की सेवा, बच्चों की आसक्ति को छोड़कर, घर के काम धंधों को छोड़कर, सर्दी में इतना दूर आए से आए और कथा में बैठे तीन तीन घंटे चार चार घंटे, अगर वक्ता भी आ जाए, पुजारी भी आ जाए और सब लोग आ जाए और श्रोता ना आए तो कैसा होगा। इसलिए श्रोता लोग आए हैं, आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाइए जो लोग आए हैं सर्दी में इतना दूर से। हाँ, और यदि श्रोता भी आ जाए, और यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर वन है कीर्तनकारी, जो लोग आप लोगों को बीच बीच में जो सर्दी लगती है ना, बीच बीच में लोग नचाते हैं, नचाते हैं और गर्मी का माहौल बना देते हैं, शरीर की ऊर्जा भी देते रहते हैं, अगर इनकी उंगली नहीं नाचेगी ना तो आप लोग के पैर भी नहीं नाचेंगे और इतना आनंद आएगा नहीं। तो ये उंगली नचाते पहले फिर आपके पैर नाचते हैं। तो ये जो हमने इतना सुंदर कीर्तन सुना रहे हैं केसी वाले श्याम प्रभु जी, इनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजाएं। इतना अच्छा कीर्तन लगा आप लोग ताली बजाएं। और हमारे पेड़ पे मदन मोहन प्रभु जी है, ये बहुत अच्छी सेवा करते हैं, महाराज जी की भी हर तरह से सेवा करते हैं, और आपको भी केसियों के साथ ना, केसियों के साथ पूरा सहायता करते हैं, जैसे जैसे केसी वाले सहायता करते हैं वैसे वैसे इनकी उंगलियां चलती हैं। तो मदन मोहन जी भी बड़ा परिश्रम करते हैं, इनके लिए भी आप ताली बजाएं। और जो पीछे पीछे हमारे संजीव को छोटे जी ने गर्दन नीचे कर रखी है, ये बड़े छुपे रुस्तम है, बहुत सेवा करते हैं महाराज जी की, हर प्रकार से सेवा करते हैं, रसोई बनाना, सब्जी बनाना, और कोई भी किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, अपना नाम लेने से शर्म आती है, हम लोग मेरे जैसे व्यक्ति का नाम नहीं लिया गुस्सा हो जाते हैं, अरे ऐसे व्यक्ति गुरु जी नाम क्यों लिया तो गुस्सा हो जाते हैं, पर इन संजीव गुरु जिन्होंने सेवा की है इनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे। और अभी तो हो गया हमारे जो बापू जी है, बापू जी देख रहे हैं, आज पिछली बार बीच में बैठे थे, सारी गोपियां थी बीच में, बापू जी चमक रहे थे, आज चमक नहीं रहे, मैं साइड में नजर एकदम से पड़ गई। ये बापू जी टेंट वाले हैं, इन्होंने कथा को सबसे पहले रखाया और अभी भी रखा रहे, तो इनकी माता का पिछली बार ये बोल रहे थे शायद हो नहीं पाई कथा क्योंकि इसमें तरह तरह का खर्चा होता है, इसलिए सोच रहे थे शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका जो धर्म पत्नी है ना माधवी देवी, हाँ उनका वहाँ बैठी, क्या नाम उनकी, मीना दीदी, बस एक बार आए उनका जोश आ गया, बोले नहीं कथा तो पिछली बार बोल रही थी नहीं, बड़ी इधर उधर होता है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना जोश आए बोले नहीं कथा होनी चाहिए, बोले महाराज जी कब कथा हुई, मैंने कहा बोल रही तो कथा नहीं हुई, कथा कैसी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने जोश आ गए, नहीं कथा जरूर होनी चाहिए, फिर तो उन्होंने ऐसे ही हर साल इनके उत्साह से और इनका जो परिवार के लोग हैं, उनका जो बच्चे लोग हैं बहुत अच्छे हैं, जिसने ये टैंडल ब्रजेश ना ब्रजेश इन्होंने जिनकी टेंट देखो कितना सुंदर बनाए, देखो टैंडल को बड़ा एकदम सुंदर है, बड़े सुंदर उन्होंने बना दिया, इसलिए इनके जितने बच्चे हैं देखना सबके साथ प्रसाद की टैंडल की हर चीज में ये पूरा परिवार पूरा के पूरा सेवा में भागवत सेवा में, इसलिए हमारे जो बड़े गुरु जी कहते हैं एक व्यक्ति का मन अगर प्रभु की भजन में लग गई, प्रभुपाद हमारे जिसने विश्व में सनातन धर्म प्रचार किया वो कहते हैं करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज खोल दो, उसमें जो पुण्य है एक व्यक्ति अगर प्रभु की भक्ति में लग गई उससे करोड़ गुण ज्यादा पुण्य मिलेगा, लेकिन ये अशोक नगर में कथा होने पर कितने लोग का जीवन परिवर्तन हुआ है, कितने लोग शराब छोड़े, कितने लोग सिगरेट छोड़े, कितने लोग प्रभु की भजन किए, इसलिए इन लोग जो बड़े उत्साह के साथ करते हैं इनके परिवार, इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं इनके ऊपर में ठाकुर का आशीर्वाद हो, खूब फलते फूलते ऐसे रहे और खूब ठाकुर जी की सेवा करते रहे, इसलिए इनके लिए भी हम लोग ताली बजाते हैं। और देखो यहाँ पर एक पहाड़ी माता जी, इस बार हम लोग उनकी घर में इनके घर में रहे, इनके पति इनके बेटी इनकी पत्नी, ये एकदम जैसे पलक बिछा देते हैं ना अपना पलों को बिछा देते हैं, ऐसे ये तीनों ने तन मन धन हर तरह से इन लोग घर में रहे, हर तरह से उन्होंने इतने सेवा की जो सोच नहीं सकते, इतने सेवा की हमारे लिए नए नए पर्दा ले आए, नए नए कंबल ले आए
और रोज रोज फूल ला करके रोज रोज घर को, मैं तो रोज इनको डांट लगाती रहती हूँ, इतना क्यों पैसा खर्चा करते, रोज रोज इनको हमारी डांट सुनते हैं, हाँ इसलिए इतने बढ़ चढ़ कर की ये परिवार सेवा की, इसलिए आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। ठाकुर ये सबको शांति और सुख सबको दो, और यहाँ पर जो अरे हमारे जे जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं से चीत प्रभु जी, हाँ आप इनको आप जानते हो बोल, इसलिए आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि शायद ऊपर से ज्यादा दिखती नहीं लेकिन अंदर अंदर से उस सारी को व्यवस्था भाग दौड़ करके अच्छे घर के झुंड पूरा की, लेकिन उन्होंने पूरा झुंड पूरा को परिवर्तन कराया और यहाँ पर हर तरह से बढ़ चढ़ करके हर तरह से आगे रह करके हर सेवा को सब कुछ करते, ज्यादा दिखते नहीं लेकिन अंदर में इनकी सब चलती है, सब इनकी चलती, इसलिए ठाकुर इनको भी खूब आशीर्वाद दे, खूब फलते फूलते रहे, सुस्त रहे और खूब भगवान की भक्ति करे। हरे कृष्णा, क्षमा करना बीच में मेरे अनाउंसमेंट डूब गई थी, महाराज जी का प्रारंभ हो गया, अभी जो लोग आप लोग सब लोग चले जाते हैं ना यहाँ से तो बाद में पत्थर फैल जाते हैं, आपने देखा ना पत्थर वहाँ फैल जाते हैं, तो हर बार हमारे निगम पार्षद जो कि निगम पार्षद रजनी पांडे जी व्यवस्था करती है, इस बार भी उन्होंने, हमारी पूजा शर्मा है ए ब्लॉक में रहती है, यदि यहाँ पर है कहीं पर, इन्होंने हर तरह से रोज पत्थर तो उठवाती थी और फोन कर देती प्रभु जी उठे के लिए और देखने के लिए आ जाती रोज, तो पीछे में खड़ी है पूजा शर्मा जी, आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे, बाद में महाराज जी के पास आरती के समय आएंगे आशीर्वाद लेंगे, इन्होंने हर तरह से सेवा की प्रभु जी, किस चीज़ की जरूरत है क्या है सब सब तरह से, तो इन्होंने जो सबसे बड़ी सेवा है पत्थर की उठवाने और भी व्यवस्था है बिजली की लाइट की सब की हर तरह की व्यवस्था इन्होंने रजनी पांडे के बिहाफ पे की है, तो पूजा शर्मा जी के लिए ताली बजाएं। और देखो सबकी तो हो गई, अगर यहाँ पर आप लोग भी आ जाओ और हम लोग भी आ जाए, कीर्ति वाले आ जाए, यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं आए, सिर्फ महाराज जी ना आए यहाँ पर, तो सब लोग उठ के जाने लगते हैं, कहते अरे महाराज जी तो आ रही 2 बजे चलो वापिस, 3 बजे चलो वापिस, जब तक महाराज जी नहीं आते पंडाल भरता नहीं है, और महाराज जी ने इतना कष्ट करके 3-4 घंटे जो
Thank you.
बोल हरे कृष्णा। अभी लोग सब शांति से बैठ जाइए, एक मिनट और बस। अरे आगे आगे हो जाइए, थोड़ा सा लोग पीछे भी है ना। बस रुक्मणी कृष्ण का विवाह होगा, बस फिर प्रसाद की व्यवस्था होगी। और अभी लोग स्टेज पे ज्यादा लोग अभी नहीं आए। अभी मैं बता रहा, जैसे महाराज जी ने इतनी प्रकार से, अगर महाराज जी ने आए ना, जैसे अभी देखो महाराज जी ने आए तो कोई भी सब वापस जाने लगते। और जो लोग माताएं हमारे साथ है वो जानते, प्रोग्राम सुबह प्रोग्राम हुआ, दोपहर प्रोग्राम हुआ, शाम प्रोग्राम हुआ, रात 12 बजे तक प्रोग्राम हुआ। और महाराज जी यहाँ के बाद आज भागवत विश्राम लेगी और कल जनकपुरी के पास विकासपुरी में शुरू हो जाएगी, वहाँ विश्राम होगी, फिर नागलोई में शुरू हो जाएगी। एक दिन का भी विश्राम नहीं है, पूरा जीवन जो भागवत कथा करते हैं उनके ऋण को, जो इतने लोगों को भगवान से मिलाते हैं उनके ऋणों को हम कोई भी चुका सकते हैं। इसलिए महाराज जी कथा जितनी अच्छी लगी आप उतनी ताली बजाई जोरदार। महाराज से प्रार्थना करते हैं, महाराज जी हर साल आते रहे और ऐसे हम लोगों को कथा सुनाते रहे। अभी रुक्मणी कृष्ण का विवाह होगा, 10 मिनट बैठ जाइए और फिर प्रसाद की व्यवस्था सबके लिए। हरी बोल, हरी बोल, श्री रुक्मणी रामायण भगवान की। अभी 5 मिनट में कृष्ण रुक्मणी तैयार है कि नहीं? लक्ष्मी दीदी कहाँ है? लक्ष्मी तो लेकर के आ जाओ। हाँ देखो, अभी कृष्ण रुक्मणी की शादी, फिर होली होगी, फिर प्रसाद लेकर जाना। आज तो लास्ट दिन है, फिर आपको एक साल के बाद में फिर तंग करेंगे। अभी और तंग नहीं करेंगे, एक साल बाद में, ठीक है? कहते ये भीष्मक देश में, कहते श्री इनकी राजा की 5 बेटे और सबसे जो छोटी बेटी ये माँ लक्ष्मी रुक्मणी। लेकिन ये नारद जी को पता है ये साक्षात माँ लक्ष्मी। नारद जी बचपन में आकर के कृष्ण की बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी उनकी कथा सुनाया करती थी। अभी ये कथा सुनते सुनते रुक्मिणी की रोम रोम में बैठी गई, मैं शादी करूंगी तो द्वारकाधीश से। लेकिन रुक्मी का जो बड़े भैया रुक्मी बोले, क्या मेरी बहन की शादी किसी राजा महाराज से होनी चाहिए? और ये तो कृष्ण बचपन में क्या घर घर में मक्खन चोरी करते थे। बोले भैया, एक मक्खन चोर से मेरी बहन की शादी नहीं, शिशुपाल को साथ में शादी होगी। ये बात रुक्मिणी की जब पता चली, उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया, बड़ा सुंदर एक पत्र लिख करके द्वारकाधीश को पास में भेज दिया। अभी कृष्ण रुक्मिणी, रुक्मिणी कृष्ण किसी को भी नहीं देखे, लेकिन रुक्मिणी ने जो पत्र लिखी थी कृष्ण उसको सुन करके प्रसन्न हो गए और उनको उधार किया। बोले भैया, पत्र में ऐसे क्या चीज लिखी हुई थी, कोई किसको देखे नहीं, कैसे आकृष्ट हुए? रुक्मिणी बोली, प्रभु जगत में सबसे अगर कोई सुंदर हो तुम हो। इसलिए कभी कभी गोपियां कृष्ण को ताना मारती थी, नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों की, तू इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। त्रिभुवन कमनीय विशेष शोभम, कोटि कंदर्प कमनीय, करोड़ों काम देव भी जिनकी रूप के सामने फीकी लग जाएंगे। बोले हे प्रभु, तुम पुरुष सिंह हो, जगत में सब सियार है, अगर सिंह का हिस्सा को अगर कोई शेर ले जाए, बदनामी ये सिंह की बदनामी, मैं तुम्हारी चरण में संपूर्ण शरणागत हो गया। हे प्रभु, जगत में केवल पति हो तो तुम ही हो। मतलब पति का मतलब क्या, मतलब पालन करना, और ती मतलब संसार से त्राण करना। कौन पालन और कौन त्राण कर सकते हैं? तुम ही त्राण और पार करा सकते हो। लेकिन इसी जगत में देखो क्या कहती है, हम हर जीवन में स्त्री होने पर मांग भरते हैं, सिंदूर लगाते हैं, शंखा पहनते हैं, लेकिन हर जीवन में मांग मिट जाती है, सिंदूर मिट जाती है, शंखा टूट जाती है। हर जीवन में एक नई नई पति प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जो शरीर है वो टाटी पेशाब खून पी का एक थली है। ये टाटी पेशाब खून पी का थली कभी पति नहीं बन सकते हैं। पति हो तो जगतपति जगन्नाथ तुम हो। इसलिए कहते हैं ना, ऐसे बर को क्या बरे, जो जन्मे और मर जाए, बर बरी और गोपाल दूसरा जो चुड़ल अमर हो जाए। इसलिए आओ मेरी सखिया, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो। इसलिए बोले हे प्रभु, एक बार अगर आपको कोई पति रूप में प्राप्त कर ले, फिर कभी भी शंखा टूटेगी नहीं,
मांग मिटेगी नहीं, इसलिए हे प्रभु मेरे को उद्धार करो, नहीं तो ये शरीर को त्याग देते रहूंगी, लेकिन किसी सियार को मैं ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। अभी ये भी लिखती है, आप मेरे को उद्धार कैसे करोगे? बोले प्रभु हमारे धर्म में एक नियम है, वो बेटी शादी से पहले नगर से बाहर जाती है माता को पूजा करने के लिए, जब मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी उसी समय आप अपना पराक्रम को दिखाना और बीच से मेरे को हरण करना। उन्होंने पत्र में उन्होंने सब कुछ पत्र में लिख डाली। इतने में कृष्ण सुन करके प्रसन्न हो गए, ब्राह्मण को रथ में बैठाए और ले करके भगवान आए कहां पर, कुंडलीपुर में आ गए। अभी रुक्मिणी अपना सहेलियों को लेकर के माँ देवी मंदिर में गई, वहां पर शंकर और पार्वती प्रकट हुई और वेद मंत्र को साथ में उन्होंने कृष्ण और रुक्मिणी को मंदिर में ही शादी करवा दिया। लेकिन ये रहस्य किसी को पता नहीं चला। इतने में रुक्मिणी जब मंदिर से निकली अपना घूंघट को उतारी, रुक्मिणी इतने सुंदरी रुक्मिणी थी, जिनकी रूप का देख करके जितने वहां पर सन्निक थे वो सबके सब वहीं पर बेहोश हो गए, सबके सब वहीं पर बेहोश हो गए। इतने में कृष्ण बीच में प्रकट होते हैं और रुक्मिणी को लेकर के रथ में बैठाए और प्रभु रुक्मिणी को लेकर के प्रभु चल पड़े। अभी सैनी का होश आया, बोले भैया रुक्मिणी का, बोले जिसका था तो उसने लेकर चला गया। बोले भैया हाँ पकड़ो पकड़ो मारो मारो। इतने में ताऊ भैया आ गए, बोले कन्हैया कोई चिंता मत कर, तो रुक्मिणी को लेकर के जा, इनको मैं निपटा देती हूँ। इतने में बलदेव प्रभु अपना हल मुसल को निकाले और मार करके सबको वहां से भगा दिए और कृष्ण रुक्मिणी को द्वारका में लेकर गए। बड़ी धूमधाम से प्रभु की शादी हुई। हाँ देखो इसमें शिक्षा की विषय क्या है, बोले रुक्मिणी कौन है? मानो जितने हम जीव है लेकिन हमारी ठाकुर का प्रति प्रेम कैसे होगी? जैसे नारद जी से कथा सुनते सुनते रुक्मिणी की कृष्ण के प्रति प्रेम हो गई, इसलिए बिनु सतसंग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जब तक हम सतगुरु की संतों से कथा नहीं सुनेंगे ठाकुर के प्रति प्रेम नहीं होगा। फिर रुक्मिणी ने किया कि एक ब्राह्मण को बुलाए, बोले ये ब्राह्मण कौन? बोले सतगुरु। फिर उन्होंने पत्र लिख करके कृष्ण के पास में भेजे। जब कृष्ण को पास में भेजे मतलब क्या है, अगर हम डायरेक्ट कोशिश करेंगे प्रभु को पाने के लिए प्रभु मिलेंगे नहीं, प्रभु नहीं मिलेंगे। जैसे एक लड़का लड़की बीच में के बिचवाला होता कि नहीं, जो संबंध कराता है, कहते ठाकुर और श्री भगवान को जीव को साथ में भी एक संबंध कराने वाले होते हैं। बोले कौन? बोले ये सदगुरु है। अगर सदगुरु हमारी प्रेम पत्र को लेकर के कृष्ण के पास में जाए और कृष्ण को प्रार्थना करे, फिर भगवान क्या करेगी? जैसे रुक्मिणी सैन्य सामंत को बीच में घेरी हुई थी, लेकिन कृष्ण आए और बीच में लेकर से उनको अपना धाम में ले गए, उसी तरह ठाकुर भी आएंगे। जब हम माया को बीच में जो पड़े हुए हैं, कृष्ण पकड़ करके हमें ले जाएंगे कहाँ? अपना धाम में ले जाएंगे और अपना सखी हमें बना देंगे। इसलिए अभी कृष्ण रुक्मिणी आएंगे, ले आओ तो कृष्ण को, कहाँ है रुक्मिणी? हाँ आ जा, दोनों आ जा, ये दोनों के हाथ में दो माला दे दो। लक्ष्मी कहाँ गई? इनको दोनों हाथ में दो माला, माला है। ले लो दोनों के हाथ में दो, सामने से हट जाओ। अभी आप लोग सबके साथ ताली हो जाना। श्री रुक्मिणी रामायण भगवान जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो अभी अगर कोई कुछ चढ़ाना चाहते हो, अगर कोई साड़ी लाए हो, अभी प्रभु जी भजन गाएंगे, अब एक एक करके जो कुछ चढ़ाना चाहते हो अब अभी इनको चढ़ा देना, ठीक है? आगे देखो बोल रुक्मिणि रमण भगवान की, बोल द्वारकाधीश की जय, जय श्री राधे। ऐसे बन को
जुटन में और मर जाए बर्बदो पालज जब सुचुड़ गया मर अरे आओ मेरी सखियों मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो ऐसी सजा दो मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे Thank you.
संसार की शादी में लोग दारू पी पी के ना करें और यहाँ ऐसे खड़े हैं जैसे बिल्कुल सांस नहीं है। अरे इस भगवान की शादी हो रही है भाई, सबको नाचना चाहिए कि नहीं, खुशियाँ मनाना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ ऐसे आप लोग खड़े हैं जैसे सांस ना चल रही है। सभी लोग नाचेंगे शादी में, मुकुट सीधी मोर मेरे
Thank you.
I'm gonna make it right.